नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जो क्लास 7 से 9 के विद्यार्थियों के लिए बार बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उस शीर्षक का नाम है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दो इसके पार्ट हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने उपसर्ग के बारे में जाना था, अब हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ जो है यहाँ परिभाषित, प्रत्यय जो पीछे लगे, तो यहाँ आप देखिए जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, उपसर्ग में हम देखे थे प्रारंभ में, परंतु प्रत्यय कहाँ लगेंगे, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग जो शब्द शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, पर प्रत्यय कहाँ लगेंगे, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़े उसे हम कहेंगे प्रत्यय। उदाहरण के लिए देखिए कि उदाहरण जो है मित्र शब्द है, ये पहले आ गया, उसके पीछे जो है ता प्रत्यय जुड़ा, उसके पीछे क्या जुड़ा, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय जो है, ता प्रत्यय जुड़ने पर वो शब्द बना मित्रता। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गई, एक नया शब्द बन गया मित्र से मित्रता। अब प्रत्यय में भी उसी प्रकार तीन अंग पाए जाएंगे, तीन भागों में इसको हम पढ़ने की दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। एक टुकड़ा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई लेन देन नहीं होता। प्रत्यय शब्द के कहां लगते हैं, अंत में लगते हैं, जैसे यहाँ ता प्रत्यय लगा। प्रत्यय भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लगते हैं, मित्र मित्रता भाववाचक संज्ञा बना, हरा से हरियाली भाववाचक संज्ञा बना। अब प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के उसके भेद होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है जो प्रत्येक क्रिया की धातु में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब विद्यार्थी यहाँ आप समझिए, धातु, धातु को समझने के लिए क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, मूल रूप धातु कहलाता है। विद्यार्थियों क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिखाई शब्द बना, उसके अंदर लिख जो है वो धातु है, और फिर आई प्रत्यय जोड़ने से उसका बन गया लिखाई, उसे पढ़ना से हो जाएगा पढ़ाई, चढ़ना से हो जाएगा चढ़ाई। तो वो क्रिया के धातु के साथ जुड़ती है, इसलिए उसे हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जैसे भूख जो है वो संज्ञा है, उसमें आ प्रत्यय जुड़ा हो गया भूखा, प्यास उसमें आ प्रत्यय जुड़ा प्यासा, जैसे भूगोल उसमें एक प्रत्यय जुड़े भौगोलिक, धर्म में एक प्रत्यय जुड़ेंगे तो धार्मिक, तो ऐसे इन्हें आप क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय के बारे में हमने सीखा कि प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़कर नए अर्थ को या नए अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं, और कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, क्रिया की धातुओं के साथ लगते हैं। इस प्रकार पढ़ने की दृष्टि से प्रत्यय को भी कृत और तद्धित दो भागों में विभाजित किया।
अब रह गए परीक्षा के अंतर्गत। परीक्षा के अंतर्गत आपको या तो प्रत्यय दिया जाएगा, जैसे ता प्रत्यय से शब्द दो शब्द बनाइए, मित्रता शत्रुता, नए शब्द निर्माण हो गया, या आपको जैसे मित्रता दिया गया है तो अब इसमें कहा जाएगा आप प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे मित्र धनता ता जो है वो प्रत्यय है, इस प्रकार आप अलग कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इस विधा में आपने प्रत्यय के बारे में विस्तार से जाना और समझा। मुझे आशा है कि आप प्रत्यय या अवसर के बारे में विस्तार से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।